नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। फ्रांस में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लंदन से लौटे अपने एक नागरिक में नए ब्रिटिश कोरोना वायरस वेरिएंट की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से हाल ही में लौटा एक फ्रांस का नागरिक ट्यूर्स शहर में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालांकि अभी इस शख्स में संक्रमण के कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियात के तौर पर शख्स को फिलहाल होम क्वारंटाइन में रख दिया गया है। आपको बता दें, ये शख्स 19 दिसंबर को लंदन से लौटा था। 21 दिसंबर को एक अस्पताल में शख्स की जांच की गई, जिसमें वो कोरोना के नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया। बयान में कहा गया कि स्वास्थ्य अधिकारी लंदन से लौटे रोगी की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के सभी कॉन्टेक्ट की ट्रेसिंग कर रहे हैं, ताकि उसका प्रसार रोका जा सके। मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी संपर्क में आए व्यक्ति में लक्षण मिलते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए। ब्रिटेन में उपजे नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को विशेषज्ञों ने ज्यादा संक्रामक और घातक बताया है। इससे डर कर 50 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन का पता सबसे पहले ब्रिटेन में चला है। कोरोना के इस स्ट्रेन को लेकर बाकी देशों में भी खौफ है। फिलहाल भारत में इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। आपको बता दें, 50 से ज्यादा देशों ने यूके के साथ अपनी हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि नवंबर महीने में हुई थी। ब्रिटेन का ये नया कोरोना स्ट्रेन का मामला नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में भी पाया गया है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बाद अब अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। गुरुवार को अफ्रीका के शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन से नाइजीरिया में पाया गया कोरोना स्ट्रेन अलग है। बुधवार को ब्रिटेन में दक्षिण अफ्रीका से आए दो यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इस नए स्ट्रेन को ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री ने 70% ज्यादा संक्रामक बताया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।